अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फैज मलिक और आप देख रहे हैं इस्लामी अखलाक। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल का जो आइकन है उसको दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा खौफनाक वाक्या बताने वाले हैं जिसको जानकर आप चौंक जाओगे। आप मेहरबानी करके इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए और अगर आपको लगे कि ये वीडियो समाज को बेहतर करने में उपयोगी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ और अपनों के साथ इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, ये वाक्या इलाहाबाद की एक लड़की रूबीना का है। रूबीना लखनऊ में रहकर पढ़ाई कर रही थी। रूबीना उस दिन अपने घर इलाहाबाद जाने वाली थी, मगर उसी दिन उसकी किसी फ्रेंड के घर में कोई पार्टी थी। उसने सोचा, पहले मैं फ्रेंड के घर पार्टी अटेंड कर लेती हूँ, फिर उसके बाद शाम को मैं घर चली जाऊँगी। फिर उसने ये सोचकर अपना रिजर्वेशन भी करवा लिया था। रूबीना अपनी फ्रेंड के घर से निकलकर सीधे रेलवे स्टेशन पहुँचती है। ट्रेन में अपनी बोगी में बैठ जाती है। रूबीना का जिस बोगी में रिजर्वेशन था उसमें लगभग सभी लड़के थे। टॉयलेट जाने के बहाने रूबीना पूरी बोगी घूम आई थी। मुश्किल से दो या तीन औरतें ही उस बोगी में बैठी होंगी। ये देखकर रूबीना का मन अनजाने डर से कांप सा गया। पहली बार वो अकेले सफ़र कर रही थी, इसलिए पहले से ही वो घबराई हुई सी थी। इसलिए खुद को सहज रखने के लिए चुपचाप अपनी सीट पर मैगजीन निकालकर पढ़ने लगी। कुछ लड़कों का झुंड जो शायद किसी कैट पे जा रहा था, उनकी हंसी मजाक चुटकुले उसकी हिम्मत को और भी तोड़ रहे थे। रूबीना का डर और घबराहट धीरे धीरे बढ़ रही थी। अचानक सामने की सीट पर बैठे लड़के ने कहा, हेलो, मैं रियाज, और आप? डर की वजह से पीली पड़ चुकी रूबीना ने कहा, जी मैं। रियाज समझ गया और कहने लगा, कोई बात नहीं, नाम मत बताइए, वैसे कहाँ जा रही हैं आप? तो रूबीना ने धीरे से कहा, इलाहाबाद। रियाज ने चौंक कर कहा, क्या इलाहाबाद? वहाँ तो मेरी नानी का घर है, इस रिश्ते से तो आप मेरी बहन लगी, खुश होते हुए रियाज ने कहा। फिर इलाहाबाद की बहुत सारी बातें वो बताता रहा कि उसके नाना जी काफ़ी नामी व्यक्ति हैं, उसके दोनों मामा सेना के ऊँचे अधिकारी हैं और नई पुरानी बातें करने लगा। रूबीना भी धीरे धीरे सामान्य होकर उसकी बातों में दिलचस्पी लेती रही। रूबीना रात भर रियाज जैसे भाई के महफूज साए के ख्याल से सोती रही। सुबह रूबीना ने कहा, लीजिए मेरा पता रख लीजिए, कभी नानी के घर आओ तो जरूर मिलने आइएगा। तो रियाज ने कहा, कौन सी नानी का घर बहन? वो तो मैंने आपको डरते देखा तो झूठ मूठ के रिश्ते बताता रहा, मैं तो पहले कभी इलाहाबाद आया ही नहीं। ये सुनकर रूबीना चौंक उठी। तो रियाज ने कहा, बहन ऐसा नहीं है कि सभी लड़के बुरे ही होते हैं, कि किसी अकेली लड़की को देखा नहीं कि उस पर गिद्ध की तरह टूट पड़े, हम में पिता और भाई भी होते हैं। ये कहकर प्यार से उसके सर पर हाथ रखकर मुस्कुरा उठा रियाज। रूबीना रियाज को देखती रही जैसे कोई अपना भाई उससे विदा ले रहा हो। रूबीना की आंखें गीली हो चुकी थीं, तभी जाते जाते रियाज ने रूबीना से कहा, और हाँ बहन, मेरा नाम रियाज नहीं, राजेश है। दोस्तों, काश इस दुनिया में सब ऐसे हो जाएं, ना कोई अत्याचार, ना कोई बेविचार। हमारा देश, हमारा प्रदेश, हमारा शहर, हमारा गांव, जहां सभी बहन बेटियां खुली हवा में सांस ले सकें, निडर होकर, बेफिक्र होकर कहीं भी कभी भी आ जा सकें, जहाँ पर कोई एक दूसरे का मददगार हो। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर आपको लगे कि ये वीडियो समाज को बेहतर करने में उपयोगी है तो आप इसे लाइक और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।